हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सब्जी। जो सब्जी हम बनाएंगे बगैरा बैगन कह सकते हैं आप, भरेमा बैगन भी कह सकते हैं। तो चलिए करते हैं भरेमा बैगन की तैयारी। आते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, तो चलिए। तो हमने ले लिए हैं बैगन है लगभग 400 ग्राम। तो और 3 आलू ले लिए मैंने, उसको छील कर मुझे कट करना है। और मैंने लिए 2 टमाटर, उसको भी कट कर लिया है। और हमने लिए हैं प्याज, 2 प्याज और 1 लहसुन मैंने मतलब कलियां ली हैं कुछ उसमें से। और मैंने लिए हैं 4-5 हरी मिर्च, उसको मैंने कट कर लिया है। और मुझे लेने हैं धनिए, तो धनिए भी मैंने रख लिए हैं। और मैंने इसमें खास है मूंगफली के दाने, तो मूंगफली के दाने मैंने भुनकर तलकर रख लिए उनको। और मैंने लिए साबुत धनिए और सौंफ और धनिया लिया है। और सौंफ धनिया हमें रोस्ट कर ही लेना है। और मैंने लिए मेथी दाना और 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए। और हमें चाहिए हल्दी और मिर्च, तो मैंने रख लिए हैं इसमें से। और आधा नींबू खट्टापन डालने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू सब्जी काटना। तो बैगन मैंने इस तरीके से हमें काटने हैं सब। इसलिए मैंने डंडी थोड़ा सा काट लिया, उसमें मुझे पूरी डंडी नहीं काटनी जो। और इसके जो है इस तरीके से हटाकर उसके बीच से कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसे देख लेते हैं कि कीड़ा वगैरह तो नहीं, कुछ साफ़ है। तो बैगन देखिए बिल्कुल बढ़िया है, फ्रेश बैगन है। तो इसलिए मैंने सारे बैगन को कट कर लिया है। और जो सौंफ धनिया थे रोस्ट किए हुए, तो उनको मैं मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ी ग्राइंड करूँगी, मतलब पीसना है हमको। और जो मूंगफली के दाने रोस्ट किए थे वो भी इसमें डालकर इसे भी साथ में ग्राइंड कर लेंगे हम। तो प्याज भी हमें ग्राउंड करना है। और उसके बाद करेंगे मसाले की तैयारी। तो बैगन तो सारे कट करके रख लिए थे मैंने, इसी तरीके से तो आलू भी मैंने बारीक कट किए। आलू बिल्कुल बारीक ही हमें कट करना है। और बैगन मैंने कट कर लिए। तो अब मसाले सारे बनाते हैं। जो मैंने मसाले लिए थे सौंफ धनिया और मूंगफली के दाने, तो मैंने उसी में मिला लिया है प्याज लहसुन का पेस्ट। मिलाने के बाद अब हमें इसमें डालना है हल्दी। तो हल्दी हमने 1 चम्मच इसमें ले ली। और इसमें डालना है मिर्च। आप जैसा तीखा या हल्का खाना पसंद उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1/2 चम्मच मिर्च को ऐड किया है। और 1 चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर लिया हमने। तो सारे मसाले ऐड हो चुके हैं इसमें, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला डाला है। तो इसे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अच्छे मिक्स करने के बाद हम इस बैगन को इस तरीके से पकड़ कर, और इसमें चम्मच से आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से लगा सकते हैं उंगलियों की मदद से। तो इस तरीके से मैंने बैगन में सारा मसाला, 1 ही चम्मच मसाले इसमें भरना है मुझे। मैंने इसमें मसाला कर दिया है। और इसमें नमक भी मैंने डाली है, क्योंकि अंदर जो भरमा बैगन बनाते हैं ना, उसमें नमक या मसाले नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से हम मसाला तैयार करेंगे, तो हमारे बैगन है ना भरेमा बैगन बहुत ही अच्छे चटपटे और स्पाइसी भी बनेंगे। तो देखिए मैंने बैगन को इस तरीके से भर लिया है। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें मुझे आलू को रोस्ट करना है। आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं। और फ्राई करने के बाद हम आलूओं को निकालेंगे। तो जब तक ब्राउन नहीं हो जाते तब तक उनको इन्हीं में फ्राई करेंगे, तेल में फ्राई करेंगे। तो आलू फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको निकाल लेते हैं। मैंने छलनी में आलू को निकाल लिया है। और उसी तेल में मैंने लाल मिर्च है ना कटी हुई, वो उसमें डाल दी हैं। और तेज़पात के पत्ते और मेथी दाना हम सब्ज़ी में डालते हैं। तो सब्ज़ी है ना, जो कहते हैं बैगन थोड़ा सा बादी सा होता है, तो उसमें हम मेथी दाना डालते हैं, उससे हमारा बैगन का जो बादीपन है ना दूर हो जाता है। तो उसमें हमने बैगन भी इसमें डाल दिए हैं मसाले में। और उसमें जो बचा हुआ मसाला है ना, सारा इसी में हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे कढ़ाई में मतलब। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे मसाले को, जैसे मसाला भूनते हैं ना कढ़ाई में, उसी तरीके से बैगन भी हमें भूनना है साथ में। तो जैसे हम 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे बैगन रोस्ट हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे बैगन भूनकर तैयार हुए हैं। तो बस अब बैगन बिल्कुल परफेक्ट भून चुके हैं, मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। सारा मसाला का जो कच्चापन होता है वो निकल चुका है। तो अब इसको ढक कर हम रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, इनको फिर ढक कर रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि बैगन हमारे कितने पक चुके हैं, कितने कच्चे रह गए हैं। तो देखिए बैगन तो पक चुके हैं, थोड़े से हल्के और रह गए हैं। तो इसमें और जो बाकी के मसाले रखे थे, मतलब जो चीज़ रखी थी उसमें डालेंगे। तो बैगन देखिए बन चुके हैं, तो इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के इसको मुझे ढकना है 5 मिनट के लिए।
तो 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं जिससे थोड़े हल्के से गल जाएँ टमाटर, बस ज़्यादा नहीं गलाना हमें टमाटर को। तो हम इस तरीके से इसे ढककर 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं टमाटर हमारे और जो बैंगन है भरेमा वो कैसे बने हैं। वैसे भरेमा बैंगन आप बनाते हैं बगैर टमाटर या आलू के भी बन जाते हैं, लेकिन हम इनको कुछ नई तरीके से बनाने की मैंने कोशिश की है। जो बगैरा बैंगन इसे कहते हैं, बगैरा बैंगन भरेमा बैंगन भी कहते हैं, लेकिन बगैरा बैंगन इसमें आलू और टमाटर इसमें ऐड करेंगे हम। तो बगैरा बैंगन हमने कुछ अलग अपने खुद अनुभव से मैंने अलग ही सब्जी इसको बनाने की कोशिश की है पूरी। तो देखिए इसमें जो मैंने तले हुए आलू थे वो मैंने उसको डाल दिया उनको, क्योंकि आलू हम साथ में डालते हैं तो आलू गल जाते या बैंगन थोड़े गल जाते तो अच्छे नहीं लगते। बैंगन जो भरेमा बैंगन होते हैं, बगहरा बैंगन होते हैं, वो हमें साबुत ही रखने। तो बैंगन है ना सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम बैंगन में डालेंगे नींबू का रस, और उससे पहले थोड़ा ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और भी, और उसको फिर चलाकर देखते हैं खोलकर। तो सब्जी बनकर अब तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और तेल भी उसका मसाला है जो पूरा सही हो चुका है। तेल थोड़ा सब्जी में से जब मसाले में से निकलने लगता है, जितना ऑयल हम डालते हैं वो सारा निकल जाता है। तो समझिए सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें डाला है मैंने सब्जी मसाला 1 चम्मच, और उसके बाद डालेंगे नींबू का रस। जो मैंने आधा नींबू लिया था उसी का रस मैंने निकाल लिया है, उसके छन्नी से छान कर, जिससे कि इसके बीज ना सब्जी में जाएं, इसको छान कर मैंने डाल दिया है रस को। आप इमली भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो खटाई, आप इमली की खटाई भी डाल सकते हैं, आप आमचूर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें नींबू का रस प्रयोग किया है, और उसमें डालें हरे हरे धनिए। तो हरा धनिया डालने से ना सब्ज़ी में और ज़्यादा स्वाद आ जाता है, दो गुना स्वाद उसमें आ जाता है अगर हरे धनिए की आप पत्ती डाल देते हैं। और उसमें डालेंगे और जायका लाने के लिए हम देसी घी, और देसी घी डालने से वाह क्या कहना है सब्जी का। सब्जी के तो 4 चांद ही लग जाते हैं देसी घी से, इसकी खुशबू से हम है ना जो 2 रोटियां अगर खाते हैं तो आप 4 रोटियां खाओगे इस सब्जी से। तो सब्जी है ना बैंगन की बनकर तैयार हो गई, और हमने प्लेट में परोस भी दी है। तो देखिए आपको दिखाते हैं बैंगन। बैंगन बिल्कुल ही साबुत है, सिर्फ पका हुआ तो पूरा है लेकिन साबुत है। इतना मैंने उसे भाप में पकाया, पानी है ना इसमें हमने बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि टमाटर है ना वो भी पानी छोड़ते हैं, टमाटर डालते हैं उसे भाप में पकाते हैं हल्की गैस पर, बिल्कुल मुझे मध्यम गैस पर से पकाना है। तो आप इसी तरीके से अपने घर पर अगर बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे भरेमा बैंगन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मसाले भी अब इसी तरीके से इतने डालोगे तो सेम ऐसी ही सब्ज़ी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। तो आप बगैरा जो बगैरा बैंगन और या भरेमा बैंगन आप इसे बोल सकते हैं, तो आप कैसे बनाते हो तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए प्लीज़। और जो हमारी सब्ज़ी जो बैंगन की मैंने बनाई है भरेमा बैंगन की, वो आपको कैसी लगी वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर लिख दीजिए। तो जो भरेमा बैंगन है ना तो हम इस तरीके से अपने घर पर बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप वगैरह जो बैंगन है भरेमा बैंगन आप इस तरीके से बनाइए। इसके जो आलू है ना, आलू का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें खट्टा खट्टा सा खुशबू आती है, इसलिए मैंने आलू भी इसमें ऐड किए हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर बैंगन बनाइए और खाइए ज़रूर, तभी आप कमेंट करके हमें बताना कि सब्जी और रेसिपी कैसी लगी है। आपने अगर वीडियो अब तक देख लिया होगा पूरा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, और मेरे अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। और चलते हैं मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।